So we start with compound microscope. There are two lenses, two convex lenses. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, एक जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, और एक जिससे हम देखते हैं, दैट्स कॉल्ड आईपीस। दोनों छोटे होते हैं, मींस दे हैव बोथ, दे हैव स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। फोकल लेंथ छोटी होती है, अपर्चर भी छोटा होता है। अपर्चर का मतलब, अपर्चर मीन्स व्हाट, छोटा सा लेंस होता है उसका डायमीटर, ठीक है। जैसे लाइक ये अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसका डायमीटर, दैट्स कॉल्ड अपर्चर। टेलीस्कोप में देखा होगा आगे एक बड़ा लेंस लगा होता है, उसका डायमीटर बहुत बड़ा होता है, यहाँ पर छोटा सा लेंस होता है तो डायमीटर छोटा होता है, वी कॉल दैट एज अपर्चर। सो इट हैज अ स्मॉल अपर्चर, स्मॉल फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ 1 से 2 सेंटीमीटर, 1 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर 2 3, ज़्यादातर इतनी मिले, और आईपीस की फोकल लेंथ 2 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। हमें ये याद होना चाहिए, याद क्यों होना चाहिए, एग्ज़ाम में 4 लेंसेज दिए होंगे, ए बी सी डी, इनकी फोकल लेंथ दी होगी, इनका डायमीटर दिया होगा, वैल्यूज़ लिखी होंगी, आपको बताना होगा इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है और कौन सा आईपीस है। क्लियर, which one can be used as objective and which one can be used as eyepiece. तो हमें values थोड़ी याद हों तो हम बड़े easily judge कर सकते हैं, तो values note कर लो, ये काम आएंगी। दो convex lenses होंगे, एक को objective कहेंगे जो object के पास है, जिससे हम देख रहे हैं, that's called eyepiece. Both are of small focal length and small aperture, size छोटा होगा। फोकल लेंस माइक्रोस्कोप में जो लेंसेज होते हैं इनकी 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 इतनी होती हैं, छोटी छोटी। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। अ स्मॉल ऑब्जेक्टिव ऑप्टिकल सेंटर ओ, फोकल लेंथ ज्यादा नहीं लेनी है, स्मॉल फोकल लेंथ, लेट्स एफओ, एफओ डैश, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2F, एफ एंड 2F एंड क्लोज टू एफ, क्लोज टू एफ, ए बी। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ना बनाएं और बहुत दूर ना बनाएं, क्लोज टू फोकस, बिल्कुल पास में इसके, बिटवीन एफ एंड टू एफ बट क्लोज टू एफ। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, अनदर थ्रू ओ गोस अनडेविएटेड, बन गई इमेज। बहुत बड़ी इमेज ना बनाएं, ये थोड़ी बड़ी लग रही है बट ध्यान रखें, अगर ये इमेज बहुत बड़ी बन गई तो फिर जो अगली इमेज है वो आपकी कॉपी पे आएगी ही नहीं, कॉपी से बाहर निकल जाएंगी रेस, ठीक है। तो इसको बहुत बड़ा नाम है, ये ध्यान रखना है, राइट। दूसरा लेंस बिल्कुल यहाँ लगाएंगे, आईपीस। एडजस्टमेंट कुछ ऐसी करते हैं, दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस, और आईपीस बिल्कुल इसके साथ में, थोड़ा दूर शो कर रहे हैं डायग्राम जिससे क्लियर हो। लेंस ये आईपीस है, उससे थोड़ा बड़ा होगा, रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड, अनदर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस एफ ई डैश, इतना ही फोकस इधर भी होगा। प्रोड्यूस करो इसको,
बिल्कुल लास्ट में यहाँ इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड इमेज, ए डबल डैश बी डबल डैश, इट्स बिटवीन ओ एंड एफ। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी यही था, ऑब्जेक्ट कहाँ था और एफ के बीच में, तो आईपीएस का डायग्राम सेम ही है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ओ एंड एफ और इसके रिस्पेक्ट में वी गेट अ वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड इमेज, कितने डिस्टेंस पर, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज आईपीएस और इनके बीच का डिस्टेंस एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वी कॉल इट लेंथ ऑफ द ट्यूब। क्लियर है डायग्राम, ड्रॉ किया जाए, इट्स द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इमेज बनी यहां पर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ऑब्जेक्ट को भी यहीं रख के देखा जाए, जहां इमेज बनी वहीं ऑब्जेक्ट रखें, और यहां पर दोनों के एंगल्स चेक करो कितने कितने हैं, हम यहां से देख रहे हैं हमारी आंख आई यहां पर है, तो एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट से दैट्स अल्फा एंड एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज दैट्स बीटा। द पॉइंट मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर, एज पर द डेफिनेशन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डेफिनेशन इज क्लियर, फॉर स्मॉल एंगल्स बीटा कैन बी रिटन एज टैन बीटा एंड अल्फा कैन बी रिटन एज टैन अल्फा, पे अटेंशन, व्हाट्स टैन बीटा, दैट्स बीटा, टैन बीटा ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ओ डैश ए डबल डैश एंड टैन अल्फा ए डबल डैश सी बाय ओ डैश ए डबल डैश। चेक करो टैन बीटा, ये एंगल बीटा, टैन बीटा विल बी ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ओ डैश ए डबल डैश, टैन अल्फा दैट्स अल्फा एंगल सबटेंडेड बाय दिस ऑब्जेक्ट ए डबल डैश सी बाय ओ डैश ए डबल डैश। क्लियर है, क्या सेम है इसमें, ओ डैश ए डबल डैश सेम है, कैंसिल हो गया, क्या बचा, वी गेट ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डबल डैश सी, राइट, ए डबल डैश सी को ए भी लिख सकते हैं, डायग्राम में देखो ए डबल डैश सी कैन बी रिटन एज ए बी, ए डबल डैश सी कैन बी रिटन एज ए बी, एन एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, वी कैन राइट दिस एज ए डैश बी डैश बाय ए बी इन टू ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डैश बी डैश। चेक करो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्या किया हमने, ए डैश बी डैश बाय ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई किया, इसको ए डैश बी डैश बाय ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई किया। क्लियर, एंड मोर इम्पॉर्टेंट स्टेप, एनीबडी यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज ए डैश बी डैश बाय ए बी, मेक अ गेस, ए डैश बी डैश बाय ए बी किसके इक्वल होगा, ऑब्जेक्टिव को देखो ध्यान से, इट्स द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो वी कैन से दैट्स मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ए डैश बी डैश बाय ए बी, ये ऑब्जेक्टिव, ये इसकी इमेज, ये इसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव का, सो इट्स हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स इट गिव्स मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसको चेक करो फिर, ए डबल डैश बी डबल डैश बाय डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश बाय डैश बी डैश, आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है
ये इमेज है तो हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट्स एमई. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. बहुत से न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं. राइट, एमओ ध्यान दो, एमओ इज वीओ बाय यूओ लिख सकते हैं. ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है, ये इसकी इमेज है, सो दैट्स वीओ. और अगर ये लेंस बिल्कुल साथ हो तो वीओ एल के इक्वल होगा ऑलमोस्ट. ध्यान दो, दैट्स ऑब्जेक्टिव. एमओ मीन एमओ इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव विल बी वीओ बाय यूओ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ये ऑब्जेक्टिव की इमेज है तो ये वीओ हो गया इमेज डिस्टेंस. और अगर लेंस बिल्कुल साथ रखा हो तो फिर वीओ और एल दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होंगे. क्लियर? डायग्राम जब बना रहे थे तो आपको बताया था हमने, वी नीड टू कीप दिस वेरी क्लोज टू इस, इसकी सेटिंग कुछ ऐसे करते हैं. तो ये हो गया एल के इक्वल लेंथ ऑफ द ट्यूब. और यूओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव नियरली इक्वल टू एफ ओ. ध्यान दो, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड टू एफ बट क्लोज टू एफ तो फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ दोनों लगभग इक्वल होंगे. क्लियर? ये आ गई दूसरी स्टेटमेंट. यहां माइनस लगाएंगे बिकॉज कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस लेफ्ट में है. नेक्स्ट एमई, एमई मीन्स मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस. आईपीस पर ध्यान दें, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बिटवीन ओ एंड एफ and the image is virtual, erect, magnified on the same side at the least distance of distinct vision, just like image formation in simple microscope. और simple microscope की magnifying power क्या थी? 1 plus d by f. Right, the last step. ये दोनों values second और third first में place कर दें. तो from 1, 2 and 3, what do we get? m इक्वल टू एम ओ की जगह l बाय एफ ओ इन टू एम ई की जगह 1 प्लस डी बाय एफ ई. फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इमेज कहाँ बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर. इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. न्यूमेरिकल आते हैं कभी कभी और उसमें दिया होता है इमेज इज एट इन्फिनिटी. इमेज कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर. तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा. ये 1 प्लस डी बाई एफ ई की जगह क्या आ जाएगा? डी बाई एफ. दोनों नोट किए जाए, दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी. स्टेप्स क्लियर हैं? या एक बार फिर बताए जाए स्टेप्स एक बार फिर से. मैग्नीफाइंग पावर रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई to the angle subtended by the object means beta by alpha can be written as tan beta by tan alpha. Tan beta from the diagram a double dash b double dash by o dash a double dash. Tan alpha a double dash c by o dash a double dash. O dash a double dash दोनों में है, cancel हो गया. क्या बचा? a double dash b double dash by a double dash c. a double dash c को a भी लिख सकते हैं, तो a double dash c को ए भी लिख सकते हैं. यहाँ हमने ए डैश बी डैश बाय ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई किया, रीअरेंज करके लिखा है. तो ए डैश बी डैश बाय ए बी इन टू ए डबल डैश बाय ए डैश बी डैश. दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस. एंड दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस. सो m equal to mo into me. mo is vo by uo. ये फॉर्मूला हम पहले भी यूज कर चुके हैं. mo is vo by uo. vo means this distance. डायग्राम बनाते समय बताया था वी नीड टू कीप दिस लेंस क्लोज टू इट, दिस एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस और बिल्कुल पास लगाएंगे. तो ये vo और डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस लेंथ ऑफ द ट्यूब दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होंगे. तो vo को l लिख सकते हैं एंड uo द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नियरली इक्वल टू द फोकल लेंथ. ठीक है, आईपीस
आईपीस की इमेज और सिंपल माइक्रोस्कोप की इमेज बिल्कुल सेम है. ऑब्जेक्ट बिटवीन ओ एंड एफ, इमेज वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. क्या फॉर्मूला था? 1 + d / FE. ये वैल्यूज प्लेस कर दी एंड वी गेट दिस रिजल्ट.